अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर गफूर है और आज मैं फिर से मौजूद हूँ आपके लिए खूबसूरत सा विला लेकर जो कि हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। व्यूअर्स, इस घर का साइज 272 स्क्वायर यार्ड्स है और ये मौजूद है प्रेजेंट 8 के अंदर। बहुत खूबसूरत है और बहुत कम कीमत के अंदर हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिमांड देकर हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस विला को बाय कर सकते हैं। इस घर के अंदर टोटल 5 बेडरूम्स है, तो हम कंप्लीट वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे विला को। तो अभी इसका फ्रंट सेक्शन डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। यहाँ से एंटर होंगे हम इसके गैरेज के अंदर। जी व्यूअर्स, इसका गैरेज लुक है। गैरेज के अंदर आपकी एक एसयूवी कार इजीली पार्क हो सकती है। वही जनरल साइज़ है जो कि आपको हर 272 के यार्ड्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर इसका एक्सटीरियर इंटीरियर गार्डन है, इसको भी मेंटेन करने वाला, ग्रास वर्क होने वाला है यहाँ पर। और ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है जिसको ग्लास और वुड के साथ तैयार किया गया। बीच में इसका ग्लास टच है, यहाँ से आप देखेंगे तो एक डोर हैंडल भी यहाँ पर बड़े साइज़ के अंदर लगाया गया इसका। और लॉबी के अंदर हम मौजूद हैं, तो सिंगल यूनिट ये घर है व्यूअर्स। यहाँ से ही आपको इसकी स्टेयर्स की मिल जाएंगी जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाएंगी। और इसके स्टेयर्स के नीचे आपको यहाँ पर इसका पाउडर स्पेस डिज़ाइन करके दिया गया। एक राउंड शेप के अंदर वैनिटी सिंक है और मराची का वॉल हंग कमोड है। तो आगे चलेंगे, ड्राइंग स्पेस है, यहाँ से आपको इसका ड्राइंग स्पेस मिल जाता है जिसको आप अपने यहाँ से स्लाइडिंग डोर के साथ सेपरेट कर सकते हैं टोटल। ये देखिए, स्मूथ वर्किंग स्लाइडिंग डोर है और ये इसका ड्राइंग स्पेस। ऊपर से सीलिंग वर्क की बात की जाए तो आपको बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा शैंडेलियर भी है, ये देखें। और डबल फैंस है, एसके फैंस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और सीलिंग वर्क के ऊपर भी आप देखें कितना खूबसूरत सा मिनिमल सा काम किया गया। सी थ्रू विंडो है, यहाँ से आप अपने टीवी लाउंज का भी नज़ारा ले सकते हैं और एक रोशन लुक है। तो आगे चलते हैं टीवी लाउंज के अंदर। स्टेयर्स व्यूअर्स बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन की गई है। इसकी तरफ हम आते हैं दोबारा, अभी चलते हैं टीवी लाउंज में। और टीवी लाउंज की स्पेस की बात की जाए तो एक अच्छा सीटिंग स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है लिविंग एरिया के अंदर। और ऊपर इसका जो सीलिंग वर्क है उसके अंदर भी खूबसूरत काम है। देखें, खूबसूरत से हैंगिंग लाइट्स हैं, एक फ़ैन है और यहाँ पर इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। और वेंटिलेशन के लिए आपको ये स्पेस दी गई है जो कि टिल दी रूफ ओपन है। तो आपने इसका टीवी लाउंज देख लिया होगा। और यहाँ पर भी आप देखें इसकी टाइल वर्क, टाइल भी टोटल घर के सेम यूज़ की गई है और बड़ी टाइल है। यहाँ पर इसका ओपन किचन आया था, ओपन किचन इसका डिज़ाइन किया गया जिसकी आप थीम देखेंगे तो नेवी और वाइट कलर के अंदर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया। इसका काउंटर टॉप आप देखें, मार्बल काउंटर टॉप है। यहाँ पर ग्लैम गैस का आपके लिए बर्नर इंस्टॉल्ड है और ऊपर ग्लैम गैस का एग्जॉस्ट हुड भी इंस्टॉल्ड है। कैबिनेट स्पेस भी आप देखें और एक डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर मौजूद है। एक सेपरेट एंट्रेंस है जो कि आप अपने कॉरिडोर से एक्सेस कर सकते हैं। एक और किचनेट स्पेस है जो कि आपको बैक साइड पर इसके बना कर दिया गया जिसके अंदर आप अपनी डिश वॉशिंग ईजिली कर सकते हैं। तो कैबिनेट स्पेस तो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। नीचे भी देखी जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट स्पेस मौजूद है। और ये इसका टीवी लाउंज था। बैक साइड पर वही सेम जो कि हर बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पर मैप, यहाँ पर दो बेडरूम्स मौजूद है। पहला बेडरूम है, इसका साइज़ आप देखें, इस बेडरूम का साइज़ बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हैं। और सीलिंग वर्क के ऊपर बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ काम किया गया। सिर्फ एक स्ट्रिप है जो कि वुड स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होगी, वो ब्राउन कलर यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। तो वॉशरूम के अंदर आते हैं, तो वॉल हंग कमोड है मराची का, शॉवर कैबिन है जहाँ पर आपको डिज़ाइन कर दिया गया जिसमें ग्रोही का आपको कंसील्ड शॉवर भी मिल रहा है। ये देखें, ये कंसील्ड शॉवर है ग्रोही का। और मराची का आपको राउंड शेप के अंदर वैनिटी सेटअप मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी डिमांड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिमांड नज़र आ जाएगी या हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डिमांड जान सकते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब से इस वॉशरूम के अंदर ही। और इसका पहला बेडरूम था। डोर क्वालिटी आपको मैंने बताई है कि सॉलिड है, सॉलिड डोर क्वालिटी है। और साथ में इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी अच्छे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। इसका सेकंड बेडरूम आ गया है, इसका साइज़ भी आप समझ लें कि सेम ही है, उस बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है लेकिन यहाँ पर भी आपको एक अच्छा कंपेटेबल साइज़ मिल रहा है। इसका सेकंड बेडरूम का डोर क्लोज करते हैं और मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ। ये बस इसका सेकंड बेडरूम था। और हम एंटर होते हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। तो आते साथ सबसे पहले आप इसकी वैनिटी का व्यू चेक करें, मराची का एक आपको बड़े साइज़ का वैनिटी सेटअप, सिंक इंस्टॉल यहाँ पर करके दिया गया। और जो इसका पीछे ग्लास इंस्टॉल किया गया उसको भी आप देखें कि बड़े लार्ज साइज़ के अंदर यहाँ पर बनाया गया। और इस दरवाजे के पीछे इसकी
स्लाइडिंग बॉर्डर है। मराची का वॉल हम कमोड और ग्रोही का कंसील शॉवर भी आपको इसके अंदर ही इंस्टॉल करके दिया गया। टाइल वर्क भी अच्छा था। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है तो फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स हैं और एक टीवी लाउंज डिज़ाइन आपको करके दिया गया। किचन स्पेस भी आपको ऊपर मिल जाएगी। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिख कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये घर कैसा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर की स्टेज पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप इसका स्टोन वर्क देखें जो कि स्टेज पर किया गया। वाटर ग्लास की रेलिंग है यहाँ पर जो कि आपको एक अच्छी लुक दे रही है ऊपर जाते वक्त भी। और इस वक्त भी इस साइड पर देखेंगे आपको मार्बल के साथ पूरी वॉल के ऊपर डिज़ाइनिंग करके दी गई है। व्यूअर्स अब हम आ गए इसकी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में और ये इसकी लॉबी लुक है। यहाँ से मैंने आपको इसकी स्टेज की लुक दिखाई जो कि एक अच्छी खूबसूरत लुक थी। इस साइड से हमारा स्टेज टेरेस की स्पेस आ जाती है। टेरेस का मैं आपको सबसे पहले व्यू दिखा देता हूँ। ये जैसा टेरेस स्पेस है यहाँ पर भी आप अच्छी सीटिंग करके फ्रेश एयर ले सकते हैं। वेस्ट ओपन ये कैटेगरी है, वेस्ट ओपन में आपको अच्छी हवादार घर आपका बन जाता है। और इस साइड से मैं आपको इसका अगर मैप प्लान समझाऊँ तो मास्टर बेडरूम आपको इसके फ्रंट पर मिल जाएगा, 2 बेडरूम्स इसकी बैक साइड पर मिल जाएंगे और टीवी लाउंज यहाँ पर मौजूद है। जिसका 3rd बेडरूम है मास्टर साइज बेडरूम है। यहाँ से मैं आपको इसका साइज़ दोबारा दिखा देता हूँ और इसका जो व्यू है वो फ्रंट पर आपको मिलेगा। और ये इसका साइज आपने देख लिया होगा। आगे चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो अटैच बाथ के अंदर वैसा ही एक बड़े साइज के अंदर आपको यहाँ पर मिरर इंस्टॉल करके दिया गया और मराची का वैनिटी सेटअप भी आप देख सकते हैं। वॉल है कमोड है मराची का और पीछे इसका शॉवर एरिया। आगे चलेंगे तो यहाँ से इसका टीवी लाउंज है, लिविंग एरिया। लिविंग स्पेस के अंदर आप इसकी मीडिया वॉल के ऊपर देखें कि वुड पैनलिंग की गई है टोटल वॉल के ऊपर और यहाँ पर एक सिंगल सा आपको वुड पीस लगा कर दिया गया एज अ टीवी कंसोल। ये इसका टोटल साइज़ है। और इसकी सीलिंग वर्क भी आप एक बार व्यू करें कि फ्लोटिंग सीलिंग वर्क आपको डिज़ाइन यहाँ पर करके दिया गया। और ये वही स्पेस है जैसा कि आपको टीवी लाउंज से मैंने नीचे वाले दिखाया था कि टिल द रूफ ही ओपन होगा। यहाँ से आपके सनलाइट और एयर वेंटिलेशन भी होती रहेगी। और इसके फ्रंट पर आपको एक डबल बिग साइज किचन भी यहाँ पर भी डिज़ाइन करके दिया गया जैसा कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल रहा था। इसकी थीम ब्लैक और वाइट के अंदर रखी गई। टोटल ग्लैम गैस का बर्नर और एग्जॉस्ट यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर भी डिश वॉशिंग एरिया मौजूद है। इधर भी कैबिनेट स्पेस आपको मिल जाएगी। तो फिर घर की डिमांड बहुत मुनासिब है। अभी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डिटेल्स जान सकते हैं। और ये 2 बैक साइड के बेडरूम्स हैं जिनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल रहे थे। ये उसका 4th बेडरूम वही सेम साइज़ के अंदर। और यहाँ से हम इसके अटैच बाथ के अंदर एंटर होते हैं। तो मराची का वॉल हम कमोड शॉवर कैबिन है जिसके अंदर ग्रोही का आपको कंसील शॉवर मिल जाएगा। और ऊपर से थोड़ी सी आपको मैं व्यू दिखाऊं तो सनलाइट भी आपको मिलेगी यहाँ पर, स्काईलाइट। और इस राउंड शेप के अंदर इसका वैनिटी सेटअप, वार्डरोब्स इसकी वॉशरूम के अंदर मौजूद है। हर बेडरूम की वार्डरोब्स वॉशरूम के अंदर डिज़ाइन की गई हैं। ये इसका लास्ट 5th बेडरूम आ गया है। इसका साइज़ भी आप देखें। टाइल वर्क आपने फोकस किया होगा कि हर पूरे घर के अंदर लुक जो है वो सेम है। इस वॉशरूम की थीम भी सेम है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर थी। मराची का वॉल कमोड, आगे इसका कंसील शॉवर है। सिर्फ टाइल वर्क जो है यहाँ पर वाइट रखा गया है। आप देखें ग्रोही का कंसील शॉवर और इसका वैनिटी सेटअप। तो इस वीडियो आपको अगर पसंद आई हो और आपको ये विला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिख करें कि आपको ये घर कैसा लगा। अगर आप बेडरूम कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं किसी भी साइज़ के ऊपर तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। यासिर गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, बेडरूम कराची के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।